अस्सलाम वालेकुम, आज मैं आपके साथ ज़ीरा भिंडी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जो कि बहुत ही जल्दी बन जाएगी और ये उन चंद सब्ज़ियों में से है जो बहुत ही जल्दी कुक हो जाती हैं और खाने में भी बहुत टेस्टी होती हैं। तो मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से आप ये ज़ीरा भिंडी जो है झटपट तैयार कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें जिन इन्ग्रीडियंट्स की ज़रूरत होगी उनमें हमें चाहिए होगा, भिंडी के लिए हमने यहाँ पे भिंडी ले ली है हाफ के जी, इसको अच्छी तरह से वॉश करके मैंने काट लिया है। और इसके अलावा सिर्फ हमें चीज़ों की ज़रूरत है जिनमें है ये दड़ा मिर्च है, तकरीबन 1 टेबल स्पून है, आप टू टेस्ट इस्तेमाल करें, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और यहाँ पे सॉल्ट 1 टीस्पून है और सफ़ेद ज़ीरा मैंने लिया है तकरीबन 2 टीस्पून है ये, और ऑयल हमें चाहिए होगा 1/2 कप। तो हमने ऑयल डाल दिया है, इसके अंदर ज़ीरा डाल देंगे। बहुत ही जल्दी ये वाली भिंडी तैयार हो जाती है, बस ज़ीरा जैसे ही चढ़ाएगा उसमें हमने भिंडी ऐड कर देनी है। बहुत ही जल्दी ये बनेगी भिंडी और बहुत टेस्टी भी होगी। दो मिनट तक इसको फ्राई करेंगे और उसके बाद ये ज़ीरा और नमक, ये दड़ा मिर्च और नमक ऐड कर देंगे, मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास भिंडी कटी हुई हो तो सिर्फ 5 मिनट लगते हैं इस भिंडी को बनाने में और बहुत ही जल्दी ये बन जाती है। बस अब आपने इसको ढक के रख देना है तकरीबन 5 मिनट। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक छोटी प्याज ले ली है, इस तरह से इसको काट लिया है, एक टमाटर ले लिया है, इसको भी काट लिया है, और हरा धनिया और हरी मिर्चें हैं तो ये ऑप्शनल हैं, अगर आप डालना चाहें तो ये इसमें डाल सकते हैं, वरना बिल्कुल वैसे ही आप भिंडी 5 मिनट बाद वो रेडी हो जाएगी। लेकिन अगर आप ये डालना चाहें अपने टेस्ट के मुताबिक तो आप ये भी ऐड कर सकते हैं। तो तकरीबन ये भी मैं इसके अंदर डालने लगी हूँ, तकरीबन 5 मिनट के बाद मैं ये इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। मैंने इसमें ऐड कर दिया है प्याज और टमाटर, और अब ढक्कन मैंने ऊपर से हटा दिया है और बस 2 मिनट तक हमने इसको बगैर ढक्कन के ही कुक करना है। दो मिनट तक हमने इसको भूनना है। 2 मिनट हो गए हैं अब धनिया, और हम ये ऐड कर देंगे हरी मिर्चें, और 1 मिनट इसको दम पे रखेंगे, फिर आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। तो तैयार है हमारी ज़ीरा भिंडी, आप इसको गरम गरम चपाती के साथ खाइए। और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसको ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए, क्योंकि बेल आइकन दबाने से आपको मेरी सारी रेसिपीज़ सबसे पहले आप तक पहुंचेगी और ये बिल्कुल फ्री है। तो दुआओं में याद रखिए, अल्लाह हाफिज़।